हमने चंद गारंटीज दिए हैं, जैसा कि हम कर्नाटक में दिए थे, हिमाचल में दिए थे, अपने तेलंगाना में दिए थे, वैसा ही ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत करके, वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो में दिखाया है कि वो खास करके नौजवान लोगों को 30 लाख लोगों के जो जगह खाली है वो भर्ती करने का, पहली नौकरी पक्की करने का, और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा देने का, मनरेगा के तर्ज पर सिटी में अर्बन एरियाज में भी लोगों को काम देने का, और जो खास करके अपने युवाओं को जहां काम नहीं है उनको वहां पर हम ट्रेनिंग देकर 1 लाख रुपए सालाना उनको स्टाइफंड देके हम उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं। उसके अलावा जो महिला महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे, जो मुखिया घर की होती है, सॉरी 1 लाख रुपए। तो उसी तरह 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम देंगे, छात्रों का स्टूडेंट लोन भी माफ करेंगे, किसानों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर पे, ट्रैक्टर पे, जो भी किसानों के इक्विपमेंट्स है उस पे हम जीएसटी पूरा हटा देंगे फर्टिलाइजर पे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, ये तो आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, यहाँ रिजर्व बैंक भी यही है, सब कुछ यहाँ से निकलता है, लेकिन मोदी जी आने के बाद ऐसे शहर को भी उन्होंने निग्लेक्ट किया, और बड़े बड़े जो भी है, मैं समझता हूँ एक बुलेट ट्रेन एक आया होगा, आया क्या, चाललंय, पण ते लवकर येणार नाही ते, कारण 10 वर्ष झाले, पहिल्या वर्षीच त्यांनी केला होता अनाउन्स, आता पण तो आता तिसरं काय चौथं काय त्याला काय मिळणार नाही, पण वो बुलेट ट्रेन की भी बात की है, वो भी नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, सब चीजें, तो इन्होंने जो कुछ कहा वो कर नहीं सके। और अगर हम गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारे लोग जीएसटी को बदल कर एक सरल सिंगल रेट वाला जीएसटी सबके लिए लागू किया जाएगा, वो फायदेमंद मुंबई को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा, और कंफ्यूजन कम होगा।